नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज, मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जमुई के बलियाडीह गांव में बरनवास में बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। साथ ही घर वालों के ऊपर बम भी फेंका गया। बदमाशों द्वारा की गई बमबाजी में गृह स्वामी का बेटा जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल की हालत नाजुक है, जिसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। रात को करीब 12:10 में सारा पर जो है खाना बनता है, वही कुछ आवाज हुआ बर्तन गिरने जैसा, और बर्तन गिरने का ऐसा आवाज सुन करके हमारे बगल में जो लड़का सोया हुआ था अपना लड़का, वही जो है सो उसको उठाया कि देखो बाहर में कुछ आवाज हो रहा है। तो बोला कि आप सोइए, हम देखते हैं जाकर के। जैसे ही कबाड़ी खोला, दरवाजा जैसे ही खोला, वैसे ही तड़ाम से बम पटक दिया तो गंभीर रूप से घायल कर दिया उसको। उसके बाद देखे बाहर आए, उसको फिर संभाले। उसके बाद बाहर आए तो देखे 5-6 लोग सामान वामान ले करके दक्षिण की तरफ, दरवाजा खुल करके रखा हुआ था, उसी ओर से नदी की तरफ भाग गया। घटना तो घटी है जी, लेकिन जैसा बताया गया कि जो जेवर था वो बिस्कुट के डब्बे में था जी। तो नेचुरल है कि कोई जानने वाला आदमी है जी, जो इतना अंदर तक की जानकारी रखता था जी। दो लोगों को हम लोगों ने अभी हिरासत में लिया है जी। डीएसपी झाझा के नेतृत्व में SIT बना दिया गया है जी। डॉग स्क्वाड भी आया है। मुंगेर में ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड जवान ने 50 राउंड से अधिक फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए काउंटर फायरिंग की और उसमें होमगार्ड जवान की मौके पर ही मौत हो गई। मामला मुंगेर के बड़ियारपुर थाना क्षेत्र का है, जहां ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान मोहम्मद जाहिद थाने के वॉशरूम में ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा, जिसके बाद अपराधी होने की आशंका में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें मौके पर ही होमगार्ड जवान की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही SP मानवजीत सिंह ढिल्लो थाना पहुंच गए और पूरे मामले की जांच की। आपको बता दें कि मृतक जवान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाकरपुर का रहने वाला था। कुछ दिन पहले उसकी थाने में पोस्टिंग हुई थी। SP ने बताया कि मृतक होमगार्ड जवान मानसिक रूप से बीमार था। वो भागलपुर में रहते हैं, हमारा घर भागलपुर है। हम तो यहाँ कल भी आए थे सर से छुट्टी लेने के लिए, उनकी तबीयत खराब थी, पेट में गैस होता था तो दर्द होता था। तो हम सर के पास आए तो हम मम्मी आए थे दोनों को, सर तबीयत इनका खराब है, 2-3 दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए, हम दवाई वगैरह करा के डॉक्टर का चेकअप करवा के हम ला दे रहे हैं। उनके बाद वो बोली इतने अच्छे खासे तो हैं ही, तुम चाहते हो क्या ये तबीयत खराब हो जाए, ऐसे हो वैसे हो जाए। तो हम सर को बोले सर देखिए तबीयत खराब नहीं है, तो आप देखिए दवाई भी वहाँ का चल रहा है। तो बोले इसकी ठीक है, अगर ज्यादा करोगी तो हम सस्पेंड कर देंगे, इसको नौकरी कभी नहीं मिलेगा। हम उधर होगा बैठा हुआ था, वो नजर आ रहा, वो नजर है। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर SMG के हाई स्कूल मसौढ़ी में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर युवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर AISF के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड सुशील के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रभात फेरी निकाली। इस मौके पर AISF के महेश रजक के अलावा अन्य कई छात्र नेता मौजूद रहे। बिहार न्यूज की ओर से मैं तमाम मसौढ़ी वासियों को नमन करता हूं। मसौढ़ी के ऐतिहासिक गांधी मैदान का श्रीमती गिरजा कुंवर उच्च विद्यालय, आज स्वामी विवेकानंद जिन्होंने अमेरिका के शिकागो में भारत को झंडा को मान सम्मान रखने का काम किया है, आज उनकी पुण्यतिथि पर यहां ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के जो छात्र संगठन है, मसौढ़ी विंग है, वो मसौढ़ी विंग विवेकानंद के जो पुण्यतिथि है उनको मनाने के लिए आज यहाँ जुटे हुए हैं। सबको शिक्षा, सबको एक समान के साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन आज
हिंदुस्तान की सरकार, भारत की सरकार से ये मांग करती है कि इस देश में अगर शिक्षा प्रणाली हो तो एक समान हो, सबको शिक्षा, सबको काम, चाहे वो भंगी का संतान हो या राष्ट्रपति का संतान, शिक्षा सबको एक समान। तो आइए, मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड सुशील कुमार। सुशील जी, शिक्षा आज कॉर्पोरेट घराने तक सीमित रह गई है, क्या कहेंगे आप? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के मौके पर आपके माध्यम से पूरे देश के युवाओं को हम संदेशा देना चाहेंगे कि स्वामी जी के आदर्शों को, स्वामी जी के अरमानों को इस सरकार ने भी पूरा नहीं करने का काम किया है, और स्वामी जी के पूरे चरित्र को बस एक खास दायरे में ही सीमित करने की कोशिश की है। हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब कोई आदमी भूखा है सबसे पहले उसे खाना खिलाने की ज़रूरत है। हमारा कहना है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की बात स्वामी विवेकानंद करते हैं। आने वाले दिनों में हम मसौढ़ी के धरती से यह संदेशा देना चाहते हैं कि समान शिक्षा प्रणाली की लड़ाई हम फिर से शुरू करेंगे, उस लड़ाई को और तेज़ करेंगे। आज हम मसौढ़ी के विद्यार्थियों का सम्मेलन कर रहे हैं और सम्मेलन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि मसौढ़ी की ज़मीन, खास तौर पर जो भी लोग सरकारें आई वह लगातार उपेक्षित रही है। अभी भी यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई अंगीभूत डिग्री इकाई नहीं है। हम कहना चाहते हैं ऐसी हालत क्यों बनी हुई है, यहाँ जो स्कूल कॉलेजों की स्थिति है वह इतनी बदहाल क्यों है, और सरकार और शासक वर्ग के नज़रिए में वह क्यों उपेक्षित रहा है या खास तौर पर यह इलाका। हम इस बात को कहना चाहते हैं। हम यह भी कहना चाहते हैं कि अगले 28 और 29 तारीख को जनवरी महीने में ही AISF का जिला स्तरीय एक बड़ा सम्मेलन भी हम मसौढ़ी की धरती पर कर रहे हैं, ताकि इन सारे सवालों पर केंद्रित करके हम बातचीत कर सके और सरकार का ध्यान आकर्षण कर सके और सम्मेलन में जो एजेंडे पारित होंगे उसको लेते हुए हम सरकार से जाके संवाद की स्थिति कायम करेंगे और इस यहाँ की स्थिति को बदलने का काम करेंगे। सुशील जी, एक सवाल और है। हिंदुस्तान का सबसे प्रख्यात विश्वविद्यालय JNU, जहाँ पर संघियों के द्वारा लगातार JNU को बदनाम किया जा रहा है, कहाँ तक उचित है? देखिए, समाज का जो सबसे अंतिम पायदान पर जो कोई खड़ा आदमी है, जिसकी बात विवेकानंद भी करते हैं, और वह आदमी अगर बोलना अगर शुरू करता है, पूरी ताकत और पूरी क्षमता के हिसाब से बोलना शुरू करता है, तो दिक्कत तो होती है। दरअसल विचारधारा की दिक्कत है। वह कुछ खास लोगों को बनाना चाहते हैं। आप खुद भी देखिए ना कि इस कोरोना अवधि में जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब है, वैसे हालत में भी अगर किसी दो आदमी की आमदनी बढ़ी है तो उनका नाम है गौतम अडानी और अंबानी। यह अडानी और अंबानी के इशारे पर पूरे देश को चलाना चाहते हैं, उन्हीं के को पूरा सौंपना चाहते हैं और पूरे देश को तहस नहस करना चाहते हैं, और विवेकानंद को अपनाना भी चाहते हैं। यह दोनों एक साथ नहीं चल सकता है, हम इसी को तो एक्सपोज करना चाहते हैं। जी, मेरे साथ जुड़े हुए थे ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड सुशील कुमार जी, जिन्होंने कहा कि शिक्षा किसी कॉर्पोरेट घराने की बपौती नहीं है, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। और स्वामी विवेकानंद जी की भी यही विचार है कि जो अंतिम पायदान तो जो खड़े जो लोग हैं उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। मसौढ़ी में पंचायत समिति की बैठक की गई। प्रखंड कार्यालय के डबकरा भवन में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कोविड के वैक्सीन को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि प्रखंड के जितने भी पंचायत है उनमें केंद्र बनाकर लोगों को कोविड का वैक्सीन दिया जाएगा, साथ ही केंद्र को सैनिटाइज भी किया जाएगा। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार के अलावा प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, ताकि बहुत क्लियर कट हो कि आखिर वैक्सीनेशन कैसे होगा, और वैक्सीनेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप समझ गए कि अब जिन लोगों ने अपने आप को बचा लिया, बच बचा के काम नहीं करके, घर में छुप के, मुंह को ढक के, हमेशा ये नहीं चलेगा। गोपालगंज जिले के हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में बाइक सवार बदमाशों ने अस्पताल कर्मियों को पीटकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। घटना के बारे में बताया जाता है कि अस्पताल कर्मी अपने कार्यालय में बैठकर काम कर रहे थे कि अचानक तीन लोग कार्यालय में आ पहुंचे और मारपीट करने लगे। वहीं घटना के बाद मौके पर DSP नरेश कुमार पहुंचकर जांच पड़ताल की। डाटा रूम में काम कर रहे थे, तब तक दो लोग आए हैं, तीन लोग आए हैं, एक बाहर थे, दो अंदर, मुंह बांधे हुए थे, टोपी पहने हुए थे। बड़ा बाबू कौन है, बड़ा बाबू कौन है, उसके बाद लाठी डंडा से मारने लगे।
क्या पहले से कोई विवाद आप लोगों की चल रही थी? किसी से कोई विवाद नहीं था। कितने संख्या में थे बदमाश? तीन। और इस वक्त की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।